जी, जब हम सारे पाथ छोड़ देते हैं और लाइफ को एज इट इज देखना शुरू कर देते हैं, फिर वहां से हमको कुछ नजर आता है। तो आप कह सकते हो मेरी लाइफ का जो सबसे चैलेंजिंग फेज था, सबसे मुश्किल, वो ये ट्रांजिशन था फ्रॉम आउटर टू इनर। ओके, कि एक बाहर की दुनिया से जब अंदर की दुनिया में मुझे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए, कुछ ऐसे हुए जो वहां से क्यूरोसिटी पैदा हुई, वहां से फिर एक बर्निंग डिजायर अंदर से पैदा हुआ कि आई वॉन्ट टू नो कि एग्जैक्टली मेरे साथ क्या हुआ है, क्यों हुआ है, किस लेवल पे हुआ है। तो वो सर्च शुरू हुई, वहां से एक लॉन्गिंग शुरू हुई, फिर वहां से आगे बढ़ते 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 बढ़ते, तो दैट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ माई लाइफ। मतलब कि क्योंकि जब तक बारीकी से चीजें समझ नहीं आती हैं, तब तक कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं अंदर ही अंदर। पर वो कि सही क्या है, सच क्या है, सच को जानने की जो चाह थी बहुत अजीब थी, क्योंकि एक बुक कुछ कहती है, दूसरी बुक कुछ और कहती है, एक आदमी कुछ कहता है, दूसरा कुछ और कहता है, तो कैसे सच तक पहुंचा जाए। तो आपने क्या किया, साइड कर दिया सब कुछ? और ये भी नहीं कह सकते कि सब कुछ साइड कर दिया, ये भी नहीं कह सकते कि मैंने कुछ फॉलो किया, सब कुछ पढ़ा, सब कुछ सुना, सब कुछ देखा, उसके बाद में साइलेंस में रहा काफ़ी काफ़ी दिनों तक, फिर उसको ऑब्जर्व किया, स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअल में मतलब समझा, नॉट जस्ट थियोरेटिकली बट एक्चुअली। तो वो आप कह सकते हो दैट वाज लाइक क्वाइट अ इंटरेस्टिंग फेज ऑफ माय लाइफ। वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग भी था और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी था, क्योंकि जब हम कुछ मान रहे होते हैं कहीं से पढ़ करके, जिस बुक को हम अथॉरिटी मानते हैं, थोड़ा सा फिर जब उस पर क्वेश्चन मार्क लगाने की बारी आती है तो सब कुछ हिल जाता है, आपके सारे फंडे हिल जाते हैं, जो आपका सपोर्ट सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा हिल जाता है। तो अगर वो सच नहीं है जो पूरी दुनिया मानती है, या जिस तरह से पूरी दुनिया सोचती है, अगर वो सच नहीं है तो सच है क्या, कहाँ है वो सच, कहाँ मिलेगा? तो उस तक पहुँचने की जो जर्नी थी, दैट वॉज अ बिग स्ट्रगल।